कि जो बाकी जो बचते हैं रिटर्न के, रिटर्न में रिटर्न एग्जाम का इवैल्यूएशन जो है ना, वो जो हम लोगों ने जो असेस किया था शुरुआती दौर में, उससे कहीं ज़्यादा टाइम लग रहा है नए सिस्टम से काम करने का। नए सिस्टम में काम करने में और कोई बात नहीं है, नयापन होने के कारण से लोग यूज टू नहीं है कंप्यूटर पर काम करने के लिए, इसलिए विलंब हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि हमारे कई एक्सपर्ट्स जो सीनियर सिटीजन्स हैं और कंप्यूटर के स्क्रीन पर चार चार घंटे पाँच पाँच घंटे काम करना, किसी किसी लोगों को आँख में प्रॉब्लम भी आ जा रहा है, दर्द हो जा रही है, ऐसे कई लोग हैं। और दूसरा कि उतने कंप्यूटर सैवी नहीं होने के कारण से उसका पन्ना पलटना, प्लस हमारी कॉपीज जो मुद्रित है वो अभी कंप्यूटर ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन के हिसाब से वो मुद्रित नहीं थी, वो प्रिंटिंग जो था वो नॉर्मल तरीके का प्रिंटिंग था। उसमें हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जैक्टली पेज नंबर 2 से 5 होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी कैंडिडेट किसी भी पेज पर आंसर लिख सकता था। तो इसके कारण से क्या होता है कि जब स्कैन कॉपी होता है तो उसको पेज पलटना पड़ता है कि मेरा वाला क्वेश्चन जो है वो कहाँ पर है, टाइम लगता है। तो इसके कारण से जो इन सब कारणों से हमारे जो रिटर्न एग्जाम्स के जो हैं वो थोड़ा डिले होगा। हम लोग उसमें कुछ हद तक उसको हम लोग कंपनसेट करने का कोशिश करेंगे इंटरव्यू में नंबर ऑफ वोट्स बढ़ा करके। और अब जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे मेंबर्स ज़्यादा आ जाएंगे तो हमारे ऐसे भी बोर्ड की संख्या हम बढ़ा सकते हैं, और हम अदरवाइज भी हम नंबर ऑफ बोर्ड ज़्यादा बना करके हम इंटरव्यू फास्ट कर देंगे, सो दैट कुछ हम समय वहाँ पर बचा लें और हम इसको रिजल्ट को निकालें। और अगली बार के लिए जो कि 68 मेंस के लिए लागू हो जाएगा, इसलिए 68 मेंस के कैंडिडेट इस बात को समझ लें कि इस बार जो उनकी जो कॉपीज होगी उस कॉपी में कौन से क्वेश्चन को किस पेज पर लिखना है वो फिक्स रहेगा, वो उसको उसी जगह पर लिखना है, ये नहीं कि वो कहीं और पर भी लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। कंप्यूटर से ऑन स्कैन करने के बाद उसको हम क्या करते हैं कर रहे हैं इस बार, मतलब जो ऑलरेडी 67 में हो चुका है, कि हम एक एग्जामिनर को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देते हैं कि आप इसी क्वेश्चन को सारे कॉपीज को आप इवैल्यूएट कीजिए। अब चूंकि इस कैंडिडेट ने किस पेज पर वो क्वेश्चन लिखा मालूम नहीं है, तो उसको तो हम एग्जामिनर को हम पूरी कॉपी स्कैन कॉपी दे देते हैं, वो उसमें से पन्ना पलट कर देखता है कि उसका वाला क्वेश्चन किस पेज पर है, टाइम लगता है उसमें। और जैसे कंप्यूटर साबित नहीं है, पन्ना पलटते पलटते कभी आगे बढ़ गया फिर पीछे जाएगा, तो एवरीथिंग रिक्वायर्स टाइम ना, तो उसमें काफ़ी टाइम बर्बाद होता है, उतना नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे जो कि 68 में उसमें कॉपीज में फिक्स्ड प्लेस पर क्वेश्चन रहेगा कि इसी जगह से आपको लिखना है, मतलब उतना ही दूर में आपको लिखना है, जैसा कि और भी एग्जाम्स में UPSC भी सेट करता है। अब 68वीं से हो जाएगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ऑन स्क्रीन में लोग अभी जैसे यूज टू भी हो रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ भी रहा है, और अगर हम 68 में जैसे कॉपीज इस तरह से अगर हम मुद्रित कर देंगे तो आसान हो जाएगा, फिर हम एग्जैक्टली वही वाला पेज देंगे जिस पेज पर उनका क्वेश्चन है। नहीं नहीं लंबा नहीं समय लगेगा, वो 67th मेंस का कॉपी का इवैल्यूएशन कर रहे हैं 30 से ज़्यादा लोग, और उसमें से ज़्यादातर उसमें जो हैं अब समझते 24 लोग के आसपास करीब जो होंगे, 12-12 दोनों में शायद 24 लोग जो होंगे खाली GS1 और GS2 को देख रहे हैं एक साथ। देखिए अभी हमने अभी तो हम उसको TBD ही लगाएंगे, टू बी डिसाइडेड, क्योंकि जब अभी हम लोगों को हम लोगों का जो हम लोगों ने जो आंकड़े बनाए कि इतने प्रश्न होते हैं इतने कॉपीज होते हैं तो करीब 3 लाख टोटल हो जाते हैं, उस 3 लाख में हमारा 1 लाख हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि जब यूनिवर्सिटीज़ में अवकाश पर जाएगा, समर वेकेशन जब जाएगा तो उस समय थोड़ा और स्पीड बढ़ेगा।
तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं उसके लिए भी, मई और जून तो निकल ही जाएगा हम सोचते हैं, मतलब उसके पहले आने की हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन शायद हम लोग उस समय तक नहीं निकाल पाए, आगे जाएगा। लेकिन अभी उसमें कुछ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये कोई मशीन नहीं ना है, ये कोई मशीन नहीं है, हम लोग को नहीं। अगर आप लोग इस बात पर एक पब्लिक ओपिनियन बनाएं, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम एआई टूल को यूज करके हम जांच करवा देते हैं। कई जगहों पर ये पाया गया है कि एआई टूल्स को यूज करते हुए डिस्क्रिप्टिव आंसर्स का इवैल्यूएशन करना ज़्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि अगर कोई एक आदमी आज अच्छे मूड में है तो हो सकता है कि कल वही आदमी, इसलिए एक ह्यूमन टेंडेंस जो बात होती है ना, उससे ज़्यादा कंसिस्टेंट एक कंप्यूटर होगा। और आप लोगों ने यूज़ करके देखा होगा चैट जीपीटी वगैरह, कभी आप लोगों ने यूज़ किया है क्या? यूज़ करके देखिए, वैसे तो उसको यूज़ करके यूपीएससी में फेल मारता है, यूपीएससी के क्वेश्चंस के साथ चैट जीपीटी में गया तो लोग फेल मारा। लेकिन चैट जीपीटी को आज के तारीख पर दिखा दिया उसने कि एआई टूल्स को यूज़ करके कितना लेटर लिख सकता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम कर सकता है, आपका कुछ भी, आप अपना एसे लिखने का जो है ना, लोग जो कैंडिडेट्स जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो शायद चैट जीपीटी से ऐसे का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एआई टूल्स आज समय की मांग तो है हमारी, अभी हम लोग शायद उसको करने के लिए उतने उसकी उतनी मतलब एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगा, लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह असंभव है, और ऐसा यह भी नहीं है कि ऐसा उपयोग में नहीं लाया गया है। कई विद्यालयों में आप गूगल करके देख लें, इंडिया के अंदर में कई यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स वगैरह में ऑलरेडी एआई टूल्स को उपयोग किया जा रहा है। आप देखेंगे, मैंने अभी हाल में भी देख रहा था, eklavya.com करके आप देखिए, उसमें भी आपको मिल जाएगा। कई जगह पर मतलब इसको लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी उसकी लोग उसको मानेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे।